हेलो स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है? पढ़ाई चालू है ना? देखो हमारी परीक्षा, ये भी परीक्षा ही लेसन है, लेकिन अभी हमारी जो फर्स्ट सेमेस्टर होती है वो पास आई है, इसीलिए आपको पहले वाले जो भी लेसन है वो सब लेसन केयरफुली रीड करने चाहिए, है ना प्रणाली? तो क्या करो, हर दिन एक एक लेसन रीड करना चाहिए। पिछली दशिका को हमने कौन सा लेसन देखा था? धरती को बुखार, यह लेसन देखा था। यानी कि क्या हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, यह हमने उसे सीखा है। अब क्या करना है कि परीक्षा, परीक्षा यह लेसन 7 नंबर का लेसन है और यह एक कैसी कथा है? पौराणिक कथा है। क्या है? पौराणिक कथा है। अब देखो इस कथा में क्या है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। देखो प्राचीन यानी बहुत सारे वर्षों के पहले, लॉन्ग एगो इयर्स। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था, वहाँ महाराज धृतराष्ट्र राज करते थे। कौन से राज करते थे राजा? महाराज धृतराष्ट्र राज करते थे, यानी कि वहाँ के किंग कौन थे? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? देखो 100 पुत्र थे, और उन्हें क्या कहते थे? कौरव कहलाते थे। सबको क्या कहा जाता था? वह 100 थे, उन्हें क्या कहा जाता था? कौरव कहलाते थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। सबसे बड़े नाम का, कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन था। यानी कि देखो धृतराष्ट्र के बड़े बेटे का या सबसे बड़े बेटे का या पहले बेटे का नाम क्या था? दुर्योधन था। देखो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे। देखो धृतराष्ट्र पहले थे और उनके छोटे भाई कौन थे? पांडु। उन्हें कितने पुत्र थे? 5। देखो उनके नाम भी आपको ध्यान में रखने चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा ना क्वेश्चन। यदि आपको पूछा जाए तो आपको ठीक से इसका आंसर लिखने के लिए आना चाहिए। इसीलिए देखो उन 5 पुत्रों के नाम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। देखो 5 पुत्रों के नाम क्या क्या है? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे। देखो युधिष्ठिर दुर्योधन से भी बड़े थे। युधिष्ठिर दुर्योधन से भी बड़े थे, कौरव और पांडवों में सबसे बड़े थे। वे सभी भाइयों को बहुत प्यार करते थे। कौन सभी भाइयों को प्यार करते थे? युधिष्ठिर सभी भाइयों को प्यार करते थे। देखो कौरवों में दुर्योधन बड़े थे, लेकिन कौरव 100 कौरव और 5 पांडव, इनमें से सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर था। सब राजकुमार एक साथ खेलते और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का मतलब क्या है? ज्ञान। टीचर थे ना उनके कौन? द्रोणाचार्य। सब राजकुमार एक साथ खेलते और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुजी समय समय पर राजकुमारों की क्या करते थे? परीक्षा लिया करते थे, यानी क्या? एग्जाम, इम्तहान। गुरुजी समय समय पर राजकुमारों की परीक्षा लिया करते थे। जैसे कि हमारी यूनिट टेस्ट हो गई है और अब हमारी सेमेस्टर फर्स्ट आने वाली है। देखो आगे क्या होता है। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें एक पाठ पढ़ाया, सदा सच बोलो। सदा सच बोलो, सदा यानी कि क्या? सदा यानी कि क्या? हमेशा, हमेशा सच बोलना चाहिए। ट्रू ऑलवेज ट्रुथ। क्या है? क्या? सदा सच बोलो। देखो क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। क्रोध का मतलब क्या है? गुस्सा। गुस्सा मत करो, सदा सच बोलो, क्रोध मत करो। यानी कि क्या? हमेशा सच बोलना चाहिए और गुस्सा कभी भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने सभी राजकुमारों से अगले दिन पाठ याद करके आने के लिए कहा। अगले दिन क्या किया? पाठ याद आने के लिए, याद करके आने के लिए कहा। सभी राजकुमार पाठ याद करने लगे।
उन्होंने पाठ का एक एक शब्द याद किया। उन्होंने क्या किया? पाठ का एक एक शब्द याद किया। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है चित्र में कि यहाँ पे सब बैठे हैं और क्या है, यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य उन्हें क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा का मतलब क्या है यहाँ पे? ज्ञान, ज्ञान बांट रहे हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य इनके क्या है? टीचर है। अब आगे देखो क्या है। अगले दिन गुरुजी ने एक एक राजकुमार को पास बुलाकर पाठ सुना। सभी राजकुमारों ने रटा रटाया पाठ गुरुजी को सुना दिया। रटा रटाया मतलब क्या है? यानी कि जिस दिन हमें बताया होता है कि आपको ये कल मुझे सुनाना है, तो आप क्या करते हैं कि सिर्फ वही बोलते हैं जो मैंने कहा है कि पाठ पढ़ना है, तो पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं और यहाँ आके क्वेश्चन के आंसर बताते हैं। यानी कि क्या, रटा रटा कर क्या किया, पाठ गुरुजी को सुना दिया। केवल युधिष्ठिर ने ही आधा पाठ सुनाया और कहा, देखो युधिष्ठिर सबसे बड़ा था, उसने क्या किया, आधा पाठ सुनाया और क्या कहा, देखो गुरुजी मुझे अभी पूरा पाठ याद नहीं हुआ है। देखो युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, बाकी का पाठ कल सुना दो। गुरुजी क्या बोले कि कोई बात नहीं, आधा तो याद है ना, तो इसके आगे जो होगा वह कल सुना देना। दूसरे दिन गुरुजी ने फिर युधिष्ठिर को बुलाया और पाठ सुनाने के लिए कहा। दूसरे दिन युधिष्ठिर को बुलाया, क्योंकि उसी ने ही आधा पाठ सुनाया था ना। युधिष्ठिर पाठ न सुना सके। गुरुजी बोले, देखो बाकी का पाठ कल अवश्य सुना देना। अवश्य का मतलब क्या है? अवश्य का मतलब क्या है? अवश्य का मतलब क्या है? जरूर। अवश्य यानी कि देखो बाकी का पाठ कल जरूर सुना देना। देखो पहले बार भी युधिष्ठिर ने पूरा पाठ याद कर नहीं आए थे, इसीलिए गुरुजी ने उन्हें परमिशन दी थी कि दूसरे दिन आओ, लेकिन दूसरे दिन भी उन्होंने वैसा ही किया। अब तीसरा दिन आ गया। अब तीसरे दिन को क्या होता है यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, यह पूरा पाठ आपको रीड करना है यानी कि लर्न करना है, और इसके साथ साथ इसके शब्दार्थ भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।